किरण सेठी की उम्र है 54 साल। बीते दिनों की कई बातें रोज याद आती हैं। उनकी माँ राजेंद्र नगर में एक ढाबा चलाती थी। उस समय किरण की उम्र महज 1 साल थी। किरण ने माँ के संघर्ष को देखा। ढाबे में आने वाले लोगों से खुद को बचाने में समर्थ बनी रही उनकी माँ। उन्हें देखकर किरण ने भी संकल्प लिया कि वो हर लड़की का संबल बनने की कोशिश करेंगी। अपने भाई और बहन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में ली। 1987 में पुलिस की नौकरी में आ गईं और फिर खुद को इस समाज की सेवा में जोड़ दिया। आज दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। इन दिनों कमला मार्केट में श्रद्धानंद मार्ग की चौकी चार्ज है। काम के साथ साथ शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं। जीबी रोड की कोठी की महिलाओं को सिखाती हैं सेल्फ डिफेंस के गुर, योगा और एरोबिक्स। काम ऐसा कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस की ऐसी पहली महिला स्टाफर हैं जिसने पुरुष कर्मियों को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। 8 लाख से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। इनमें नेत्रहीन लड़कियां, मूक और बधिर, मानसिक तौर से अविकसित और दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। इस साल 8 मार्च को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना ने उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। इससे पहले किरण सेठी को विमेन ग्लोबल अवार्ड भी हासिल हो चुका है और दिल्ली महिला आयोग ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। एक ही दिन पहले उन्होंने एक चेन स्नैचर को पकड़ा था। यही वजह है कि दिल्ली में अब वो जानी जाती हैं लेडी सिंघम के नाम से भी। ये था आज का किस्सा खाकी का।